पेट विकार का मानसिक कनेक्शन है, इसके बारे में मैंने मेरे वीडियोस में काफ़ी बार बोला हुआ है कि पेट विकार का मानसिक कनेक्शन क्या होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ केस स्टडीज जिसमें ये एकदम क्लियरली साबित होता है कि भाई पेट विकार का मानसिक कनेक्शन है। तो आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग संबंध तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, मुंबई, पुणे, नागपुर यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स है जहाँ मनोविकार तथा व्यसनी लोगों को भर्ती करते हैं। एक अभी मेरे पास में लड़का आया था, उसकी उम्र 17-18 साल की है करीब करीब, और 12th में है। उसको मेडिकल कॉलेज में उसको एंट्री लेने की, प्रवेश लेने का है, और वो एक टिपिकल पेट विकार लेके आया कि भाई 7 से 12 उसकी ट्यूशन रहती है रोज़ सुबह। अभी वो नीट की तैयारी करने के लिए अकोला में स्पेशली आया हुआ है। 7 से 12 उसकी ट्यूशन रहती है, और 7 से 12 जब ट्यूशन रहती है तो उसको कुछ नहीं होता, अच्छे से वो बैठता है ट्यूशन में, पढ़ाई करता है, सब अच्छा कुछ होता है। 12 बजे वो घर जाता है, और 12 बजे घर जाने के बाद में 12 बजे से लेके करीब करीब शाम को 8 बजे तक उसको 25 बार लेटरिन जाना पड़ता है, और उसको सेंसेशन आता है कि लेटरिन लगेंगी, ऐसा उसको सेंसेशन आता है। वो जाता है टॉयलेट में, मगर वहाँ जाने के बाद में लेटरिन होती नहीं, फिर वापस आता है, फिर जाता है। अब इसका जो कारण है वो तो क्लियर कट है कि उसको दिमाग में कुछ तो भी चल रहा है, उसके दिमाग में काफ़ी सारे विचार चल रहे हैं। क्योंकि जब ट्यूशन, मतलब रात में भी, नींद में भी कुछ नहीं होता, नींद में भी कोई लेटरिन लगती नहीं है, सुबह उठने के बाद में भी कुछ नहीं है, सिर्फ उसका पीरियड है 12 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, 25 बार, क्लियर कट कनेक्शन है। उसके टेंशन जो दिमाग में चालू, उसके जो विचार चालू एग्जाम के बारे में, उसके बारे में उसके विचार चलने के, मतलब चलने के साथ में या चलने से उसको ये प्रॉब्लम आते जा रहा है। दूसरा एक लड़का अभी ऐसा था, उसका उल्टा था। उसका ये था कि घर में जब रहता है तो कोई टेंशन नहीं है, घर में अच्छा वातावरण है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही वो ट्यूशन में जाता है, और ट्यूशन जाने के बाद में वहाँ उसको बार बार फीलिंग होती है कि अभी लाइटिंग लग गई, और उसको फिर बीच बीच में जाना पड़ता है, फिर टीचर उसको डांटते हैं, और फिर उसको अकवर्ड भी होता है, अच्छा भी दिखता नहीं है कि बार बार, मतलब कैसा, कितने बार जाएगा ये ट्यूशन के बीच में, फिर कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं होता पढ़ाई में, और वो आए कि अभी क्या करना। तीसरा एक लड़का आया था, वो भी 12th में है, वो आया था कि भाई कहीं भी वो ट्रैवल करता है, सफ़र करता है, तो उसको बार बार ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को टॉयलेट लग गई, मतलब मेरे को यूरिन जाना पड़ेगा या मेरे को लेटरिन जाना पड़ेगा, और बस में कोई रुकाएंगे नहीं, मतलब कोई रुकेगा नहीं। अभी वो आया था, मुझे पुणे जाना है बोले, अभी अकोला से उसको पुणे जाने का है तो कम से कम लगते हैं 12 घंटे। अब 12 घंटे में उसको लगता है कि बस में बैठने के तुरंत बाद उसको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे को लेटरिन आ जाएंगी, और फिर बस कैसे रुकेंगी बीच में, और फिर वो बार बार बस चालू होने के पहले जाके आएगा, और उसको बस में बार बार वो सेंसेशन आएगा कि मेरे को यूरिन लग गई या लेटरिन लग गई, उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं, उसका बार बार डर लग रहा है, और फिर उसको नींद भी नहीं आती, पूरा बस में रेस्टलेस कर रहा है, फिर कुछ गोलियां खाते रहता है, फिर कहाँ रुकेंगी बस, वहाँ देखता है कि कहीं बस स्टॉप हो जाएंगी तो वहाँ जाएंगे, वहाँ जाने के बाद में वो फट से जाके आ जाएगा, तो फिर वो बस से प्रवास करना ही टालता है, सिर्फ ट्रेन में जाता है, क्योंकि वो ट्रेन में फिर लेटरिन अवेलेबल है, वो लेटरिन में कितने भी बार जा सकता है, और ट्रेन में जब सफ़र करता है तो लेटरिन उसको लगती नहीं है, कुछ नहीं होता। अभी ये जो पेट के विकार है, या बार बार टेंशन दिमाग में आने से, फिर ये ऐसे बार बार टॉयलेट जाना या उसके विचार आना, तो उसको टेंशन की वजह से हो सकता है, या फिर उसको ऑब्सेशन जो है कि बार बार विचार आना और एक्चुअली लगने का नहीं, विचार आते सिर्फ, तो वो जो विचार आते हैं तो एक तो वो ऑब्सेशन हो सकता है, या फिर उसको इरिटेबल बावेल जो है कि टेंशन आने से, या एक बार वो दिमाग में कंडीशनिंग बैठ गया, एक बार कंडीशनिंग हो गया कि वो सिचुएशन और लेटरिन आना, या वो सिचुएशन लेटरिन नहीं आना, और उसकी वजह से ये होता है। उसके लिए बिहेवियर थेरेपी है, साइकोथेरेपी है, हम हिप्नोथेरेपी करते हैं, हिप्नोसिस करते हैं, कुछ मेडिसिन भी देते हैं कि जिसकी वजह से उसका टेंशन कम हो जाएगा और उसकी वजह से वो अच्छा हो सकता है। जब उसको ये पता चलता है कि नहीं भाई ये मेरे को बार बार विचार आ रहे हैं, सिर्फ विचार है ये, एक्चुअली तो लगती नहीं 25 बार लेटरिन, एक्चुअली जब जाता है समझो बस रुक के तो कोई मतलब टॉयलेट लगती नहीं है, टॉयलेट होती नहीं है, तो ये सिर्फ विचार है। जब हम उसको प्रेजेंट कर देते कि ये इंटरनल, अंदर अंतर मन में, सबकॉन्शियस माइंड में ये विचार आते रहते हैं, ये ऑटोमेटिक विचार है, एक्चुअली वो एक्शन में होगा नहीं,
एक्शन में कन्वर्ट होंगे नहीं, एक्चुअली आपने देखा है जाके बार बार, एक्चुअली एड्रेन तो होती नहीं है, उसको जब प्रेजेंट करेंगे विचार विचार है उसको ऐसा एक्नॉलेज करो, और जब आप आपके विचारों को देखेंगे, आपके विचारों को आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये अनकंट्रोल विचार है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो बार बार आते रहते हैं, उसको उसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये विचारों के तौर पे उसको बाजू में रखते हैं, तो वो लड़का अच्छा होता है। इस तरह से मैंने सबको काउंसिलिंग किया, अभी काउंसिलिंग उनका चालू है, तो उनको काफ़ी 75% उनके आराम, उनको आराम पड़ गया और काफ़ी अच्छे हो रहे हैं वो। होता क्या है कि ऐसे लोग हमारे पास में आते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि साइकियाट्रिस्ट बोला तो उन्होंने कि आप मेरे को पागलपन थोड़ी हो गया, मैं क्या पागलों के डॉक्टर के पास में थोड़ी जाऊँ, ऐसा लोग बोलते हैं, और बाकी डॉक्टर भी हमारी तरफ रेफर करते नहीं हैं। तो ये लोगों में इसकी जानकारी होना जरूरी है कि कोई भी सिचुएशन में यदि आपको लैट्रिन लगती है, या आपको लैट्रिन लगने का डर लगता है, या यूरिन लगने का डर लगता है, या कोई भी सिचुएशन में आपको ऐसा लगता है कि छाती में धड़ 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 होगी इसलिए आप वो टालते रहते हैं, या कोई भी सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ आपको बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो वो सिचुएशनल एंग्जाइटी भी हो सकती है, वो ऑब्सेशन हो सकता है, फोबिया हो सकता है, इरिटेबल बाउल ड्यू टू टेंशन हो सकता है, मतलब अलग अलग उस वो बीमारी है, और इसका इलाज बेयर थेरेपी, साइकोथेरेपी, मेडिसिन से हो सकता है। आपके परिचित ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी मतलब जानकारी हो जाएंगी, और लोग उसमें अच्छे हो जाएंगे, उनका इलाज हो जाएगा। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो मिशन है, वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, और सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।